एक शहर में एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी थी। उसके मालिक का नाम पी के था और उसके पीए का नाम जी के था। जी के बहुत समझदार आदमी था। जरूरत पड़ने पर वो पी के को अच्छे सुझाव देता था। उस ऑफिसर की स्टाफ कंपनी बस में आते थे। उस ऑफिस के बाहर थोड़े काम वाले गार्डनिंग करते थे तो थोड़े फ्लोर क्लीनिंग और बाथरूम क्लीनिंग करते थे। एक बार एक भयानक चीनी बीमारी फैलने के कारण सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की। उस कंपनी को थोड़े महीनों के लिए बंद कर दिए। ऑफिस में काम करने वाले घर से काम करने लगे। थोड़े दिनों के बाद लॉकडाउन को हटाने के कारण स्टाफ फिर से ऑफिस में काम करने ऑफिस आने लगे। एक बार जब पी के सबको देख रहा था तब ऑफिस में काम करने वाले छींकने लगे और खांसने लगे। जी के पी के से, ये क्या है भाई, अपने लोग ऐसे हर रोज बीमार क्यों पड़ रहे हैं? आए दिन कोई ना कोई आकर सिक लीव पूछ रहा है। ऐसे ही चला तो हम समय पर प्रोजेक्ट फिनिश कैसे कर पाएंगे, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहा जी के तब, सर आपकी समस्या मुझे समझ आ गया है, मगर मैं जो भी करूं उसे आप मना नहीं करेंगे। जी के तब, ठीक है गो अहेड। कहा जी के ऑफिस के स्टाफ को बुलाकर, डियर फ्रेंड्स, कल से मैं अपने ऑफिस वर्किंग स्टाइल को बदलने वाला हूँ। अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो रिजाइन करके जा सकते हैं। कहा एक, ये क्या जी के सर, हमें भी ये वर्किंग स्टाइल बहुत बोर लग रहा है, आपके नए स्टाइल का हम स्वागत कर रहे हैं। कहते ही सब मान गए। अगले दिन एक बिना टॉप के बस पे चढ़कर स्टाफ ऑफिस जाने लगे। एक, ये क्या है भाई, बस का टॉप क्यों निकाल दिए, छी क्या यही नया वर्किंग स्टाइल है? पूछा एक औरत तब, छी हम इस धूप में जल रहे हैं, इस धूल और धुवे में आना मुझसे नहीं होगा। बोली एक, जी के जी बहुत समझदार आदमी है, सोचे थे, ये क्या ऐसे घटिया आइडिया दिए, बापरे इस धूप में मेरा सर चकरा रहा है। कहा ऐसे वो बस ऑफिस के पास आकर रुकी। वहां देखे तो ऑफिस सेटअप बाहर रखा हुआ था। जी के तब, वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, नई बस राइड को एंजॉय किए क्या? आज से आप लोग बाहर से ही काम करेंगे, कम ऑन। कहा सब बाहर ही काम करने लगे। कड़ी धूप में वे लोग जलने लगे। एक, छी ये क्या रे, हमें इस धूप में क्यों बिठाए, जितना भी पानी पियो प्यास तो बुझ नहीं रहा है। कहा तो दूसरा आदमी, ये जी के सटिया गया है क्या, इतना पढ़ाई करके हमें इस धूप में काम करने की क्या जरूरत है रे। कहा ऐसे वो लोग आए दिन बस में आते हुए जी के को मन ही मन में गाली देने लगे। एक, ए ड्राइवर, इस धूप में बैठना मुझसे नहीं होगा, बस रोको, कहकर पुकारा। तो ड्राइवर, सॉरी सर, जी के सर बस को कहीं पर भी रोकने से मना किए है, कहकर पुकारने लगा। तब थोड़े लोग बस में से उतरने की कोशिश करते करते उतर नहीं पाने के कारण उसे पकड़कर लटकने लगे। फिर भी बस बिना रुके जाने लगी। ऑफिस के बाहर काम करना सबको आदत सी पड़ गई। ऐसे थोड़े दिन बीते। एक बार जी के, डियर स्टाफ, आज से अपनी नई वर्किंग स्टाइल पूरी हो गई है, कल से आप लोग फिर से अंदर ही रहकर काम कर सकते हैं। कहा वो सुनकर पी के, जी के ये सब क्या है, इन सबको तुमने इतने दिन बाहर क्यों बिठाया? पूछा एक, सर मुझे बाहर ही अच्छा लग रहा है सर, कृपा करके हमें यहीं पर काम करने दीजिए। कहा जी के तब, पी के सर एंड डियर स्टाफ, क्या आपने गौर किया कि थोड़े दिनों से आप लोग खांसी और जुकाम है कहकर कोई कंप्लेंट्स नहीं दे रहे हैं, ऐसे क्यों हुआ है पता है क्या? आप सब में इम्यूनिटी पावर बढ़ गया है, इसका कारण अपने शरीर पे पड़ने वाला ये धूप है। इस धूप में कई तरह के अच्छे गुण होते हैं, सूरज की रोशनी अपने शरीर पे पड़े तो कई तरह के विटामिन शरीर को मिलते हैं, कई तरह के बीमारियां कम होती हैं। अपने नीचे ऑफिस में काम करने वाले नौकर धूप में फिरते हैं, इसलिए वे लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते, मगर
अगर हमारे घर में एसी, बस में एसी, ऑफिस में एसी होता है, धूप लगने का तो चांस ही नहीं रहता है। और ऊपर से इस लॉकडाउन में सब घर में ही रहकर काम किए थे ना, ऐसे किए तो रोग प्रतिरोधक शक्ति कैसे बढ़ेगी। इसलिए थोड़े दिनों के लिए मैंने वर्किंग स्टाइल बदला है। अब से आप लोग जरूर थोड़ी देर धूप में बैठेंगे कहकर मैं आशा करता हूँ। ओम सूर्याय नमः कहकर ऊपर देखते हुए नमस्कार किया। तब सब सूरज को देखते हुए नमस्कार किए।